नमस्कार, मैं हूं रुपावना शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। राजस्थान चुरू के सुप्रसिद्ध सिद्धपीठ बालाजी सालासर धाम भगवान हनुमान के जन्मोत्सव पर लक्खी मेले के दौरान पहुंचे श्रद्धालुओं ने लंबी कतारों में लगकर बालाजी के दर्शन किए, तो वहीं बाबा के दरबार में धोक लगाए जाने के उपरांत मन्नत का नारियल बालाजी धाम में पेड़ पर बांधकर मनोकामना पूर्ण परंपरा से जुड़े रहे श्रद्धालु। बालाजी धाम पहुंचे दर्शनार्थियों को व्यवस्था के क्रम में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद, 150 सीसीटीवी कैमरा सहित 800 से अधिक पुलिस के जवानों की तैनाती की गई ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। विगत 2 वर्षों से कोविड के कारण मेले के अभाव में सालासर धाम में बाबा के जयकारों सहित लाल ध्वजा हाथ में लिए सिंदूरी नजर आया सालासर बालाजी धाम। शनिवार का जो संयोग बना है वो 30 वर्षों बाद बना है। हनुमान जयंती शनिवार 30 अप्रैल 1991 में आई थी और ये ऐसा मानना है ज्योतिषों का कि ये शरीर के कष्ट दुख हरेगा अगर आज के दिन हनुमान जी महाराज के दर्शन करें, पूजा अर्चना करें और हनुमान जी महाराज के 108 नाम लें, हनुमान चालीसा का पठन करें, सुंदरकांड का पठन करें। तो हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में रात्रि 2 बजे बालाजी मंदिर के पट खोल दिए गए थे और पुलिस थाना के सामने से यात्री पंक्तिबद्ध लाइन में लगे और अभी शाम तक ऐसा अनुमान है कि यात्री श्रद्धालु यहाँ करीबन 50,000 से ऊपर श्रद्धालु दर्शन।